नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। अभी काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने ये वाला गाना क्यों भेजा। दोस्तों, एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम में से ऐसे 90% लोग होते हैं जो अपने घर वालों के अपोस होते हैं। ये सोचते हैं कि यार मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया हमको पढ़ने में, मतलब जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो मम्मी थोड़ा सा काम बोल देती है या पापा काम बोल देते हैं। दोस्तों, कभी आप ये सोच रहे हो कि आपके बुरे वक्त में आपका काम कौन आता है? कभी इस बात को ना डीपली सोचना। अपने पूरा लाइफ, पूरा जितनी आपने जिए ना, 18, 20, 22, 25 साल जितने भी आपने जिए, सोचना कि जब आपका बुरा वक्त था तो आपके काम कौन आया? कौन आया? आपका दोस्त आए, या जो आप जिनसे चैट में बातें करते हो, फेसबुक में बड़ा फोटो डाल के कमेंट्स की रिप्लाई करते रहते हो, क्या वो काम आए? नहीं। जब आपकी लाइफ का एक बुरा वक्त चलता होता है ना, तब आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले आपके काम आते हैं। आपकी बहन, आपका भाई, जो होते हैं ना, जो अपने होते हैं ना, वो आपके लिए हमेशा अपने ही रहेंगे, दूसरे दूसरे ही रहते हैं। कहने को बहुत बड़ी बातें होती है, दोस्त बहुत बड़ा होता है, दोस्त बहुत बड़ा होता है। अरे क्या पेरेंट्स से बड़ा होता है दोस्त? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये बात आप तब समझोगे जब आप इस चीज को फील करोगे। कभी फील करने की कोशिश करना दोस्तों। जब आपका सिलेक्शन नहीं होता, जब आपको भूख नहीं लगती, मन नहीं करता खाना खाने का क्योंकि आपने इतनी मेहनत की, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका दोस्त नहीं आएगा आपको खाना खिलाने के लिए, वो माँ होती है जो आके बोलती है बेटा दो रोटी खा ले, कोई बात नहीं, नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा। दोस्त सिर्फ आपको ये बोलेगा कोई बात नहीं भाई, अगली बार हो जाएगा। लेकिन वो माँ होती है जो ये सोचकर रात को उसको नींद नहीं आती कि मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ, बेचारा इतनी मेहनत किया था, उसने खाना भी नहीं खाया। कभी सोचिएगा अपने पेरेंट्स के बारे में जिनके लिए आप ये जो तैयारी कर रहे हो ना यार, ये क्या है? अपने लिए कर रहे हो क्या? जब तक ये अपना अपना मेरे लिए, मैं हूं बस, मैं अपने लिए कर, ये जब तक फीलिंग आपके अंदर रहेगी ना, कुछ नहीं हो सकता। थोड़ा सा इमोशनल होना लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारा कुछ भी किया गया काम हमारे पेरेंट्स को एक बहुत बड़ी खुशी देता है। वो बचपन से आपको पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं यार। आप जब चलना नहीं जानते थे, वो आपको चलना सिखाए, बोलना सिखाए, सब कुछ सिखाए, और आप यही बोलते हो कि मेरे पेरेंट्स मेरे को डीमोटिवेट करते हैं। अरे वो आपको डीमोटिवेट नहीं करते हैं, आप उनकी बातों में पॉजिटिविटी खोजो। कभी आप खोजना नहीं चाहते ना। मेन बात ये होती है कि आज की डेट पे हर इंसान, अगर हम हर किसी की बात करें ना, 100 में से 10-20% तो होते ही निकम्मे हैं, नेगेटिव पर्सनालिटी वाले लोग जो कभी कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। यार एक बात आप लोगों को बताऊं, ये जो आप लोग बोलते हो ना सर आप इतना हेटर्स और ये डिसलाइकर्स के पीछे क्यों पड़ते हो, यार ये कौन है? कौन है ये जो डिसलाइक करते हैं? डिसलाइक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होती है चीज, सोचना खुद इस बात को आप सोचिए, दिल से सोचिए, डिसलाइक करने वाला पर्सन क्या पॉजिटिव पर्सन इंसान है? अगर किसी बंदे को, बहुत से लोग यहां पर होंगे जो इस पे ना आके ऐसा बोलेंगे अरे भाई वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक नहीं करेंगे तो क्या लाइक करेंगे? अरे भाई अगर तुमको कोई चीज पसंद नहीं आई ना तो उसके लिए रिव्यू दिया जाता है। आपको अगर किसी का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया तो कल को तुम्हारी शादी होगी, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ ठीक है, कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी बीवी आएगी तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, तुमको पसंद नहीं आएगा तो तुमको या ये तुम उसको ये बोलोगे क्या कि तूने खाना नहीं बनाया, तूने अच्छा खाना नहीं बनाया, तूने बेकार खाना बनाया, ये बोलोगे? बेटा भूखे मर जाओगे जिंदगी भर, इस बात को याद रखना। मोटिवेट करना सीखो सामने वाले को, अगर कुछ कमी होती है ना सामने वाले के अंदर तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करो कि भाई ये कमी है, इस चीज को आप सुधारो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन थोड़ी सी कमी है, इस चीज को और सुधारो। गुस्सा इस बात का आता है, मुझे समझते नहीं है काफी लोग, काफी लोगों को ये लगता है अरे सर तो बस हेटर्स के पीछे पड़े रहते हैं।
अरे मैं हेटर्स के पीछे पड़ा नहीं रहता यार, मुझे सिर्फ और सिर्फ गुस्सा इस बात का है कि अरे भाई कोई गलती हुई है मुझसे तो बताऊं ना, कम से कम मैं सुधारूं तो सही। सुधारूंगा तब तो सुधरूंगा, कुछ गलती अगर हो रही है तो उसको सुधारने के लिए तुम बताओ ना, तुम बताते हो नहीं। डिसलाइक किए और चले गए। अरे तुम पैदा हुए थे 50 में तुमको डिसलाइक कर देते, तुम पैदा क्यों हुए? तो तुम क्या वापस चले जाओगे अंदर? बुरी लगेगी बात मेरी, बुरी लगेगी, क्योंकि यार मैं कड़वा बोलता हूं लेकिन मैं सच बोलता हूं, समझना इस बात को। नहीं समझेंगे, अभी अभी 50 लोग ना और ज्यादा एग्रेसिव हो गए होंगे, एकदम अंदर से गुस्सा आ रहा होगा। भाई अपने आप को ना 10 झापड़ मारो अपने अंदर, अपने आप को 10 झापड़ मारो, आपका जो गुस्सा है ना अपने ऊपर निकालो। कभी दूसरों पे क्या गुस्सा निकालना, क्यों दूसरों पे गुस्सा निकालना, अपने आप पे निकालो ना। तुमने क्या किया लाइफ में, इस बात को समझो, इस बात को सोचो, तुम इस लाइफ में आए हो किसकी बदौलत, कौन लाया तुमको इस लाइफ में? ऊपर वाला लाया? ये बोलने की बात होती है कि भगवान ने लाया हमको इस दुनिया में, आपको इस दुनिया में आपके माँ बाप ने लाया है, तो कुछ करना है ना तो उनके लिए करो, अपने लिए मत करो। पेरेंट्स से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता, और पेरेंट्स के बाद अगर कोई बड़ा होता है ना तो वो भगवान नहीं, वो टीचर होता है, जो कि आजकल के बच्चे समझते नहीं है, किसी भी टीचर को जाके कुछ भी बोलते हैं। बात ये होती है कि बहुत सारे टीचर्स इग्नोर मारते हैं कि चल ठीक है यार, ये नहीं समझता होगा हमको टीचर। भाई आपके समझने ना समझने से कोई टीचर अपने पद से हट तो नहीं जाएगा ना। आप बोलोगे ये प्राइम मिनिस्टर, हम मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, तो क्या वो हट जाएगा? भैया मोदी प्राइम मिनिस्टर है तो है ना, तुम कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, वो तो रहेगा ना, जब तक कोई नई सरकार नहीं आएगी तब तक वही प्राइम मिनिस्टर रहेगा ना। तुम बोलोगे ये हनुमान भगवान हम नहीं मानते, नहीं मानते हम इस हनुमान भगवान को, हम इनको अल्लाह नहीं मानते, हम इनको ईसा मसीह नहीं मानते। अरे तुम्हारे मानने से क्या होता है, जो है वो तो है ही ना। अपने अंदर की चीज को चेंज करने की कोशिश करो। भाई मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये जो मैं रात रात को 2-2 बजे तक जाग कर आप लोगों को ज्ञान देता हूं ना, अरे मुझे क्या पड़ा है यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तुम सिलेक्शन लो नहीं लो मुझे क्या फर्क पड़ता है। कभी सोचना इस बात को, मैं क्यों बोलता हूं तुमको, मैं तुम्हारे लिए नहीं बोलता हूं। तुम सिलेक्शन ले लोगे बहुत अच्छी बात है भाई, वो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, मेरे लिए क्या अच्छी बात है कि तुम्हारे पेरेंट्स को खुशी मिलेगी। मैंने ये जो काम किया है ना, ये जो मैं पढ़ाना चालू किया और ये और वो जो भी है, ये मैं आपके पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा मैं आपके लिए, मैं ये कर रहा हूँ आपके पेरेंट्स के लिए ताकि उनको खुशी मिले, क्योंकि उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, बचपन से जो मांगे वो दिए। घर में अगर 2 रोटी है, आपने बोला भूख ज़्यादा लग रही है, वो 2 रोटी आपकी माँ आपको खिलाएगी, कभी खुद नहीं खाएगी। चाहे तो ट्राई करके देख लेना इस बात को बिना बताए, ट्राई करके देख लेना, उसके बाद बताना मुझे। भूल जाओगे ऊपर वाले को, भूल जाओगे भगवान को, भूल जाओगे, क्योंकि भगवान से बड़ी माँ होती है। मेरी बातें बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार क्या डायलॉग मार रहा है यार, अरे भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये सब बातें ना कोई नहीं बताता, ये जो बातें होती है ना ये कोई नहीं बताएगा यार, तुमको क्यों बताएगा, उसको क्या फर्क पड़ता है, तुमसे क्या फर्क पड़ता है, तुमको किसी से क्या फर्क पड़ता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल की दुनिया अपने में व्यस्त है, कोई कभी किसी और के बारे में नहीं सोचता। कुछ अगर हम कुछ बुरा सुन लेते हैं 2 दिन हम सिर्फ ये सोचते हैं, अरे यार ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ऐसा कैसे कर दिया, उसके बाद भूल जाते हैं। गलत है ये, समझो इस बात को। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यू कैन एंड यू विल, आई कैन एंड आई विल। ऑल द बेस्ट।